नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं यूपी टेट के कुछ स्ट्रेटजी जो आपको आप फॉलो करना चाहिए, यह हमेशा के लिए हर एक विद्यार्थी इसको फॉलो करता है, तब जाके कहीं ना कहीं वह अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं। आपको बताते हैं प्रशिक्षु, देखिए पहली डाउट आपका यह क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ। अगर आप यह सोच रहे हैं कि कोई एक चैनल बहुत अच्छा पढ़ाता है ना, तो यह चीज़ें कदापि नहीं हो सकती। हाँ, मैं मान सकता हूँ कोई यूनिक चैनल हो सकता है जहाँ पे सारे सब्जेक्ट के टीचर बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई परफेक्ट प्लेटफॉर्म तो नहीं है कि जहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के बहुत अच्छे टीचर हों, है ना। तो आपको सबसे पहले यह ज्ञात कर लेना है, और दूसरी बात और यह कि कोई एक ऐसा, मतलब यह नहीं है कि हर एक प्लेटफॉर्म पर अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जा रही हों। जैसे कि कहीं सिलेक्शन के लिए वही क्वेश्चन बताया जा रहा है जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कहीं ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हों जो बहुत प्रीवियस ईयर पेपर में आए हों, कोई कहीं प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हों। तो ऐसा नहीं कहीं कि आपको वही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हों जो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा। बस यह चीज़ें दिमाग में रख लेना, हर जगह हर टीचर द्वारा वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, चाहे जहाँ आप पढ़ें वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो यूपी टेट का सिलेबस होगा। एक बार आप इस चीज़ को फॉलो कर लेना। और मेरे संज्ञान में एक चीज़ और आया कि जैसे कि आप अलग अलग जगह देखने से अच्छा है किसी एक जगह टिक कर देखो। सबसे बेस्ट तैयारी तभी हो सकती है आपकी जब किसी एक प्लेटफॉर्म पर आप बहुत टिक कर देखते हैं, बहुत अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं उसी प्लेटफॉर्म के। अब यह नहीं कि मैथ हम कहीं और से देख लें, साइंस कहीं और से देख लें, पता चला साइंस जहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे मैथ कभी आ गया तो मैथ उसका देखने लगे, तो ऐसे नहीं, आपके मन भटकेंगे और आप तैयारी में अपने लूज हो जाएंगे बिल्कुल, समझ रहे हैं ना। तो लूज नहीं होने हमें, बहुत अच्छे से किसी एक प्लेटफॉर्म पर टिक करिए। तो रही यूट्यूब की घटना, यूट्यूब से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो, अन्यथा किसी एक प्लेटफॉर्म का पेड कोर्स लें, उसको बहुत अच्छे से देख जाएँ, ठीक है। उनके सारे सब्जेक्ट के जितने भी टीचर हैं उसे मन लगाएं और अच्छे से देख जाएं नोट्स, जो भी चीज़ें हैं वैसे इस तरह से देख सकते हैं आप। तीसरी कंडीशन यह है मेरे भाई, जो बहुत अच्छे होते हैं थोड़े माइंड में, थोड़े से समझ, मतलब एक तरह से इस चीज़ों को बुक से बहुत अच्छे समझ पाते हैं, उनके लिए बुक बहुत अच्छा पड़ेगा। देखिए बुक तो सबसे बेस्ट है, मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन आपको जो स्ट्रेटजी मैंने बताया ना, अभी किसी एक प्लेटफॉर्म पर टिक जाइए, अगर ऑनलाइन पेड आपको खरीदने का पैसे नहीं है तो आप ऑनलाइन किसी जगह से देखने लगिए, उस प्लेटफॉर्म के सारे स्ट्रेटजी फॉलो कर लीजिए, सारे टीचर को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। एक अपने साइड से प्रैक्टिस सेट रख लीजिए, एक तो यह था, दूसरा यह था कि आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म का एक पेड कोर्स ले लें, उस पेड कोर्स के जितने भी टीचर हैं सबको फॉलो करिए बहुत अच्छे से, वो जो जो स्ट्रेटजी बताते हैं उसको फॉलो करते रहिए, एक साइड से हो सके प्रैक्टिस सेट हर कंडीशन में रखना है आपको अपने पास, और एक लूसेंट की बुक। और दूसरी तरफ अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट मस्ट है और हिंदी की नालंदा बुक मस्ट है। तो इन दोनों बुक को अपने पास रखें और एक प्रैक्टिस सेट तीसरी बुक हो गई, ठीक है। और मैथ किसी एक टीचर को फॉलो कर लें, चाहे हमको फॉलो कर लें चाहे किसी अदर टीचर को फॉलो कर लें। वैसे हम भी पूरे मतलब इस प्लेटफॉर्म पर सिलेक्शन आप देखेंगे ना, 120 प्लस बच्चों को दिलवाए हैं, जो जितने भी सिलेबस हमने पढ़ा रखे हैं पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रखा है। तो जैसे ही कुछ प्रॉब्लम की वजह से स्टैंड थोड़े से मेरे खराब हो चुके हैं, स्टैंड जैसे आता है तो मैं फिर से क्लासेस स्टार्ट करूंगा। जैसे मैथ स्टार्ट ही था, लगभग 35 वीडियो खत्म हो गए थे, है ना, चार पांच टॉपिक भी खत्म हो गए, फिर से मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म को या फिर किसी एक पेड कोर्स को या फिर बुक के स्ट्रेटजी जैसे कि लूसेंट नालंदा, यह दोनों बुक हो गया, या फिर आप यह दोनों बुक हो गए, इसके साथ साथ आप चाहो तो मैथ का किसी एक प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो मैथ, क्योंकि मैथ बुक से शायद ही आपको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप उससे बहुत कंफर्ट हो गए समझने में। तो मैथ हो गया, लूसेंट से आपने ईवीएस वगैरह पूरा लूसेंट अच्छे से चढ़ जाइए, एक तरफ से दो तीन बार एग्जाम होते होते आपका सुपर टेट की भी तैयारी हो जाएगा, पीसीएस लेवल तक की भी तैयारी हो जाएगी बहुत अच्छे से, है ना। हर दिन टारगेट बनाइए कम से कम 20 पेज 15 पेज हमको पढ़ना है किसी भी सूरत में पढ़ना है। 1.5 घंटे हमको देने हैं लूसेंट पे, 1.5 घंटे नालंदा की हिंदी बुक पे देने हैं, ठीक है। नालंदा गंगा प्रकाशन का एक प्रैक्टिस सेट आता है हिंदी का, उसको ले लीजिए। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, चाहे आप CDP का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, और अगर पेड कोर्स लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बस सारी चीज़ें तो हो गई, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, EVS हो गया, और इंग्लिश के लिए भी लूसेंट आप फॉलो करिए, लूसेंट बहुत बेस्ट है अगर बुक से पढ़ते हैं तो, नहीं तो फिर किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं ऑनलाइन फ्री कोर्सेस तो वहाँ से पढ़िए, अन्यथा कंडीशन में आप पेड कोर्स लिए हैं तो सुपर है, वहाँ से पढ़िए। बस यही था स्ट्रेटजी, भागना नहीं है, एक ही जगह टिक कर पढ़ना है तभी जाकर सिलेक्शन होता है मेरे भाई, बहुत अच्छे नंबर तभी आ सकते हैं अगर आप विश्वास, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास करना सीख जाइए, ठीक है ना। यह रहा स्ट्रेटजी मेरे भाई, अगर पसंद आया हो तो इसको फॉलो करें, अन्यथा कंडीशन में भटकते रहेंगे तो चीज़ें निकल जाएंगी, कब आपको आपके सामने से पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, धन्यवाद। और नोट्स भी बनाते चलना है हमें, अपने नोट्स ही लास्ट समय में काम आते हैं, तो नोट्स आप देख सकते हैं जितना जल्दी जल्दी लास्ट समय में उतने जल्दी जल्दी आप वीडियो रिवाइज नहीं कर सकते, इतना ध्यान में रख लेना मेरे भाई, कितना फास्ट करके वीडियो देखेंगे, आपका समय बर्बाद होगा, नेट खत्म हो गया तो आपका मन उब जाएगा कि बुक से नहीं पढ़ना। तो नोट्स बहुत जरूरी है, नोट्स बनाते चलना है। मुझे एक कोई मोटी सी रफ ले लें, मोटी कम से कम
80-90 रुपये वाली मोटी सी रफ ले लें, सारे अपना जितना है ना सारे सब्जेक्ट यूपीटेट का उसी में लिखते चले, एक तरफ से लिखते चले, ठीक है ना। इस तरह से पढ़िए, बहुत मस्त तैयारी होगी, बहुत सुपर होगा। और यूपीटेट का कहीं से अच्छे से तैयारी करने का मतलब यह हो निकलता है कि आपकी सुपर टेट की लगभग 70% तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। धन्यवाद।